बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुण कीर्ति कहूँ मेरे पियो में, गुण कीर्ति कहूँ मेरे पियो में, जो हम सो के आने तुझे गुण कीर्ति गुण कीर्ति।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सब सुंदर प्रणाम सुंदर सब जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। दोए होम कही जो बन की, खिड़की मोहल तिन बन, होम दूजी मोहल झरो की, इत बसत पशु पंखिया। श्री रंग महल के पूर्व में तीन वन, अनार अमृत जाबू आए हैं, जिनकी दो होम तीसी चांदनी है, और इनकी भूमिकाओं ने रंग महल की झरोखों से मिलान किया है। प्रथम भूमिका की डालियां रंग महल की प्रथम भूमिका की झरोखों से मिली है, और इसी प्रकार दूसरी भूमिका यानी जो चांदनी का मिलान हुआ है रंग महल की छज्जों से हुआ है, और इन वनों में अनेक प्रकार के पशु पक्षी निवास करते हैं। तो सुंदर सा जी, आज सात वनों की सुंदर शोभा की ओर बढ़ते हैं। दीदी अभी तो ये छुपाई ना, यही वाल तो पढ़ के आए हैं। हाँ जी, दस नंबर सात वनों की सुंदर शोभा की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा था कि श्री रंग महल के चारों कोनों में छह बच्चे आने से रंग महल की चार दिशाएं हुई, ईशान और अग्नि के मध्य, ईशान कोण अग्नि कोने के मध्य रंग महल के 1500 मंदिर हुए। इन 1500 मंदिर के सामने शोभा रेखी थी अनार अमृत और जाम्बू, ये तीन वन लग रहे हैं। हमने कल जाम्बू वन की सुंदर शोभा को देखा था इससे पहले वाली मीटिंग में। ये देखिए ईशान कोने का छह बच्चा, ये अपना अगिन कोने का छह बच्चा, इन दोनों के मध्य श्री रंग महल के 1500 मंदिर, और इन 1500 मंदिर के सामने अनार अमृत और जाम्बू की शोभा। तो सबसे पहले हमने ये देखा ये तीन वन लग रहे हैं, लेकिन इससे पहले देखते हैं इन तीन वनों के पश्चिम की तरफ दो मंदिर की रोस आई है। ये देखिए दो मंदिर की रोस, ये थोड़ा मैं बड़ा करती हूँ। रंग महल के भूम भर ऊंची चबूतरे से उतरते ही कमर भर ऊंची रोस, रंग महल की चबूतरे के बिल्कुल साथ, इसको इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए ये रंग महल का भूम भर ऊंचा चबूतरा, ये अपना देखिए भूम भर ऊंचा चबूतरा, इस चबूतरे के साथ, हालांकि इस नक्शे में नहीं दिखा रखा, इस चबूतरे के साथ लगती यहाँ पर दो मंदिर की चौड़ी कमर भर ऊंची रोस आई है, बिल्कुल इस चबूतरे के साथ लगती हुई। तो इन शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि भूम भर ऊंची चबूतरे के साथ। अब इसको इस नक्शे से देखते हैं महाराज शिव जी के। ये देखिए दो मंदिर की चौड़ी रोस, ये देखिए ये वाली दो मंदिर की चौड़ी रोस आई है। ये हम बात करें ना अनार अमृत और जाम्बू, इनके पश्चिम तरफ रंग महल के चबूतरे के साथ दो मंदिर की चौड़ी रोस आई है, यानी अपना जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है उस चबूतरे के साथ लगती हुई कमर भर ऊंची रोस, यानी तले तले हमको परिक्रमा करनी है तो पूरब दिशा में अपने को दो मंदिर की चौड़ी रोस मिल रही है। अब इन रोस पर एक वृक्षों की किनार तो बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में, और एक वृक्षों की किनार इस तरफ, मतलब इन रोस के दोनों किनारों पर, एक इस किनार पर वृक्ष और एक इस किनार पर वृक्ष, दो दो मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आए। ये देखिए इन शोभा को दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये सिर्फ अमृत वन का नजारा है, ये देखिए ये दो मंदिर की रोस, एक तो ये चबूतरे के साथ लगते वृक्ष हुए, और एक वृक्ष ये देखिए यहाँ पर, मतलब इन जो दो मंदिर की रोस है इसके दोनों किनारों पर वृक्षों की शोभा। और शोभा यहाँ देखेंगे ये जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है, इनमें सुंदर चित्रामण मंदिर मंदिर की हद पर इन पर अक्षी थम्ब आए हैं। उन शोभा को देखते हैं अक्षी थम्बों की। आज दीदी नेट गड़बड़ है क्या, कुछ थोड़ा सा
पता नहीं, या तो ज्यादा भर रहा है आज इसलिए। अब आगे लग रहा देखो, है स्क्रीन शेयर ना देर से हो रही है। कुछ वो थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रहे हैं अभी ना। ये देखो, ये जो दो मंदिर, ये जो अपना भूमबर ऊंचा चबूतरा, इसके साथ दो मंदिर की रोस, उस रोस के दोनों किनारों पर वृक्ष। अब इस चबूतरे की शोभा देखे, इस चबूतरे पर अक्षय स्तंभ आए हैं। 1500 मंदिर की जगह है अपने पास, तो 1501 अक्षय स्तंभ आने चाहिए। अक्षय स्तंभ यानी दीवार पे चित्रामण। बिल्कुल सामने जो मंदिर आया है ना धाम के, उसके बिल्कुल सूत पे यहाँ पर भी, जैसे ऊपर पहली भूमिका में स्तंभ है, तो उसके सूत में यहाँ पर भी थम, लेकिन ये थम अक्षी है यानी उस दीवार की शोभा है। तो यहाँ पर मंदिर मंदिर के अंतर पर अक्षी थम, उनके ऊपर सुंदर मेहराबे, मेहराब की नोक पर दाएं बाएं सुंदर चित्रामन, पशु पक्षियों के बेशुमार चित्रामन। अब इसमें ठीक मध्य दो मंदिर की लंबाई लेकर सीढ़ियां उतर गई, तो यहाँ पर सीढ़ियों के दोनों तरफ भी थम की शोभा बताई गई है। ये थम देखिए इस तरह से, यहाँ पे नहीं है, सीढ़ी के दोनों तरफ भी इस तरह से, इस तरफ भी ऐसा थंबा आएगा, इधर भी सीढ़ियों के दोनों तरफ भी थंबों की यानी थंबों के सुंदर चित्रामन की शोभा कही गई। तो इस तरह से हम इस सामने की दीवार में देखते हैं, तो 1500 मंदिर की हद पर 1500 अपने पास मेहराबे आनी चाहिए थी, पर दो मंदिर की ये मेहराब इन सीढ़ी की वजह से नहीं आई, तो दो दो मेहराबे कम कर देंगे, तो 1498 मेहराबे। इसको अपने को गिनना नहीं है, बस ये शोभा देखनी है कि ठीक जैसे इस शोभा को अपन इस तरह से ले। ये देखिए, ये भूम दर भूम जैसे ये देखिए मंदिर है, तो यहाँ पे इस दीवार में भी इसी के सूत में थम्ब उठे, मेहराबे उठी, उन मेहराबों में फिर मेहराबे और में बेशुमार चित्रामन, पशु पक्षियों का, पुतलियों का, जवेरों की नक्काशी। तो ये जो भूम भर ऊंचा अपना रंग महल का चबूतरा है, इस चबूतरे पर भी बेशुमार चित्रामन। और इस चित्रामन के आगे ही हमने देखे वृक्षों की दो हारे। ये देखिए वो नक्शा निकाल रही हूं मैं, ये देखिए, ये अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा जिसपे हमने अक्षी मेहराबे देखी, यानी जो भोंबर ऊंचा अपना चबूतरा आया है, उस चबूतरे पर सुंदर चित्रामन देखा, और इस चबूतरे के साथ लगते ये वृक्ष, वो चित्रामन है, ये चबूतरे के साथ लगते वृक्ष हुए। और युगल दास माझी इसका वर्णन कर रहे हैं कि वृक्ष के तने साफ सुधो ऊपर चलते हुए, अति जवेरों से झिल मिलाते हुए, माने दर्पण की साफ, तो नूरी जवेरों के ये वृक्ष, और इनका तना सीधा ऊपर को जाता हुआ, ये जो पहली हार वृक्ष है एक मंदिर तक सीधा जाते हुए। तो इस तरह से वृक्षों की एक हार साथ में लगती हुई और वृक्षों की दूसरी हार रोंस की इस पूर्वी किनार पर लगती हुई। तो अभी हमने शोभा देखी जो अपने अनार, अमृत, जांबू ये तीन वनाए हैं, इनके पश्चिम तरफ दो मंदिर की जोड़ी कमर भर ऊंची रोंस आई है, जो धाम चबूतरी के साथ लगती लगती आई है। तो इन शोभा को देखकर अब हम जांबू वन की शोभा देखते हैं। तो जांबू वन की शोभा में देखेंगे लंबाई में दो चबूतरे, दो मंदिर के चौड़े, और ये लंबाई में जाएंगे 1998 मंदिर, यानी 2000 मंदिर में से कम, क्योंकि ये सभी वन 500 मंदिर के चौड़े और 2000 मंदिर के लंबे हैं। दो मंदिर की तो अपनी ये रोंस हो गई, और 1498 ये सीधा जाएंगे पुखराजी रोंस तक, यहाँ तक ये पुखराजी रोंस का निशान है। तो इस तरह से ये लंबाई तरफ 2000 मंदिर के लगभग लंबे हम इसको कहें, तो 500 मंदिर की हद पर दो लंबाई तरफ चबूतरे देखे थे, और पांच हमने आड़े चबूतरे देखे लगभग 500-500 मंदिर की दूरी पर। तो इन आड़े खड़े चबूतरों के मध्य अपने चार बगीचे हुए जांबू वन के, 500 मंदिर के लंबे चौड़े। और अगर इसको बहुत बारीकी में लेते हैं तो महाराष्ट्र जी बताते हैं कि जो दाएं बाएं की एक एक मंदिर की रोंस है, ये देखो ये जो रोंस है एक एक मंदिर की, इस रोंस समेत 500 मंदिर का ये बगीचा होता है, इस रोंस समेत 500 मंदिर का बगीचा होता है। लेकिन मोटे रूप में महाराष्ट्र जी कह रहे हैं कि 500 मंदिर के लंबे चौड़े चार बगीचे, जिनके चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में छह बच्चे,
चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, चारों कोनों से उतरती सीढ़ियां, चारों दिशाओं में फूलों की भी सुंदर शोभा। और यहाँ पर दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं, 250 वृक्षों की 250 हारे, 250 वृक्षों की 250 हारे। अब दो दो मंदिर के सुंदर चौक बनते हुए, इनमें स्थान स्थान पर दो दो मंदिर के चौक बनते हुए, इन सभी वृक्षों के मध्य ऐसे दो दो मंदिर के चौक बन जाएंगे। मध्य चौक में अपनी देहोरी की सुंदर शोभा, जो अपना मध्य चौक है उन चौक में देहोरी की सुंदर शोभा। तो इस तरह से अपने जांबू वन की शोभा आई कि 500 मंदिर का तो चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा। 500-500 मंदिर के बहुत आसानी से इसको हम समझते हैं, 500-500 मंदिर के लंबे चौड़े चार बगीचे हो जाएंगे, और इन सभी बगीचों में दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं। क्योंकि अगर हम गिनती में जाते हैं ना तो हम गिनती निकाल नहीं पाएंगे। थोड़ा सा बताती हूँ, जैसे हमने इस एक मंदिर की रोड से इस एक मंदिर तक 500 मंदिर है, दो मंदिर ये निकल गए, दो दो मंदिर आप चबूतरों के निकालोगे तो अपने पास 6 मंदिर कम हो जाते हैं। लेकिन तब भी महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि 250 वृक्षों की 250 हारे दो दो मंदिर के अंतर पर आई हैं। तो हम उसी हिसाब से, जैसे महाराज श्री जी अपने को बहुत आसानी से बताना चाह रहे हैं, तो 500 मंदिर के लंबे चौड़े चार बगीचे, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, चारों दिशाओं में अपने पास सुंदर फूलों की शोभा, और पहली हार बिल्कुल पिठोर से लगती हुई 250 वृक्षों की, 250 वृक्षों की 250 हारे। अब दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं, तो चार वृक्षों के मध्य सुंदर चौक बनते हुए, चारों कोनों में थम होंगे, चारों दिशाओं में मेहराबे, ऊपर वृक्षों का एकल चंद्रमा, ठीक मध्य चौक में एक मंदिर की लंबी चौड़ी सुंदर देहोरी की शोभा, बैठन की सुंदर स्थान। और महाराष्ट्र जी कह रहे हैं देहोरी तो एक है, पर बैठन की जगह अपने को सुंदर जो अपने लिए बैठक है वो अपने को कई चौकों में मिल जाएगी। तो इस तरह से जांबू वन की शोभा हुई, और जांबू वन के बिल्कुल पश्चिम में रंग महल के चबूतरे के पूर्व में दो मंदिर की ये रोज। तो जैसी जांबू वन की शोभा आई है अपनी, ठीक वैसे ही शोभा अपने कौन कौन से वन की आई है वो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से देखते हैं हमारा शिव जी के नक्शे से, केल, लिबोई, अनार, जांबू और नारंगी, इन पांच वृक्ष जो वन है इनकी शोभा बिल्कुल इसी समान आई है। केल में बस बड़ो वन के 5 वृक्ष और निकलते हैं तो केल वन 5/6 चांदनी का हो जाता है, मूलतः केल वन भी 2/3 चांदनी का है। तो इस तरह से केल, लिबोई, अनार, अमृत को भी छोड़ दे, जांबू और नारंगी, ये सभी वन 500 मंदिर के चौड़े 2000 मंदिर के लंबे हैं। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य इनके चार बगीचे बनते हैं, प्रत्येक बगीचा लगभग 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, और इनमें दो दो मंदिर के अंतर पर सुंदर वृक्ष आए हैं जिनकी 2/3 चांदनी आई है। और प्रत्येक बगीचे की चारों दिशाओं में विशाल नहरें, एक मंदिर में अति विशाल जो चबूतरे नहर के आए हैं उसमें एक मंदिर में नहर 50-50 हाथ में रोंसे, रोंसों पर भी सुंदर बैठ के चाहे बच्चों से उठते फवारे, चाहे बच्चों को घेर कर सुंदर बैठ के, और इन वृक्षों ने एकल मिलान किया, जब मिलान किया तो नहरे चाहे बच्चे सब ढक गए। और फिर वृक्ष की दूसरी भूम, अब दूसरी भूम में युगलदास महाराज जी बताते हैं कि एक एक वृक्ष के ऊपर मंदिर का विस्तार है। अपनी बड़ी प्यारी सी वो अपनी बोली में वाणी में बोलते हैं कि जैसे नगधात के मंदिर अपने रंग महल में है, ठीक वैसे ही फल फूलों के मंदिर एक एक वृक्ष के ऊपर मंदिर का विस्तार। जैसे हम वन की नहरों में जाते हैं, बड़ी रांग छोटी रांग में जाते हैं, तो एक एक वृक्ष के ऊपर हवेली का विस्तार आता है। तो ये जो 7 वन है इनके एक एक वृक्ष के ऊपर मंदिर का विस्तार है। जैसे अपने रंग महल के मंदिर है, ठीक सामने अपने फूल पत्तियों के मंदिर है, उसका मैं प्रमाण भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और जिन मंदिर के मुकाबिल आयो है उन मंदिर की सकल जोगबाई के सामने इन वृक्ष में सर जोगबाई आई है। जैसे नग धात के मंदिर के सामने फूल फल पातन के मंदिर बनाइए, इन विश्व ये वृक्ष बने हैं।
कि जैसे अपने रंग महल के नग धातु के मंदिर हैं, उसके ठीक सामने सात वन की इस दूसरी भूमि में फल फूलों पत्तियों के सुंदर मंदिर। और इसका प्रमाण अपने को चांदनी चौक में भी मिलता है। चांदनी चौक की वृक्ष है, तले की भूमिका में अपने को थम नजर आ रहा है, मेहराबे नजर आ रही है। दूसरी भूमि में हमने यहाँ देखा था कि एक मंदिर माफक महल बन गया, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक विशाल महल बन गया, दूसरी भूमि में महल बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे युगलदास माजी ये कहते हैं कि वनों की दूसरी भूमि में जैसे सामने रंग महल के मंदिर है, वैसे ही यहाँ पर भी मंदिर आ गए। तो इस तरह से शोभा अपनी केल, लिबोई, अनार, अमृत और जांबू की हुई। केल वन में इतना सा डिफरेंस है कि बड़ो वन की पांच वृक्ष जो लाल चबूतरे के आगे से आ रहे हैं, उसका विस्तार से वर्णन आगे करेंगे। अभी हम ये समझे कि इनमें से बड़ो वन के पांच वृक्ष निकलते हुए यमुना जी की पाल पर आएंगे। तो जो अपना केल वन है, मूलतः दो भूम तीसरी चांदनी का है, लेकिन जब बड़ो वन के वृक्ष आते हैं केल का रूप लेके, तो ये केल वन अपने को पांच भूम छठी चांदनी का नजर आता है, और लिबोई, अनार, जांबू और नारंगी दो भूम तीसरी चांदनी। अब इसी तरह से हम अमृत वन की शोभा देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। एक सेकंड, इनमें अभी ये बीच की शोभा नहीं देखते, ये भी 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा है। ये लंबाई वाली नहर के चबूतरे, आड़े पांच चबूतरे इसमें भी आए, लेकिन ये अमृत वन है। सुंदर सा जी हमने शोभा देखी हुई है, श्री रंग महल के सन्मुख चांदनी चौक की शोभा आई है, वो अमृत वन के इन पहले बगीचे के तीसरे हिस्से में आई है। ये अपना जो पहला हिस्सा 500 मंदिर का लंबा चौड़ा हुआ, इनके तीसरे हिस्से में चांदनी चौक की शोभा आई है। तो अमृत वन में हम देखेंगे कि जो चार बगीचे होते हैं, उसके पहले हिस्से में 166 मंदिर के लंबे चौड़े चांदनी चौक की शोभा आई, और धाम सीढ़ियों के सन्मुख दो मंदिर की रोस अमृत वन के मध्य रोस से मिलती हुई पुखराजी रोस तक चली गई। अब इन रोस के आने से अपने पास ये देखिए नहरों की शोभा, ये रोस चली तो रोस के दोनों ओर नहर के चबूतरे भी चले, तो अमृत वन के चार बगीचे ना होके आठ बगीचे हो जाते हैं। क्योंकि जब किसी हिस्से को इस शोभा को दो हिस्सों में बांटती हुई ये नहर जा रही है, ये रोस जा रही है दो मंदिर की चौड़ी रोस, तो इन रोस के साथ साथ ये नहर के चबूतरे भी आए, तो यहां पर अपने आठ बगीचे हो जाते हैं। इन मध्य रोस के आने की वजह से अमृत वन के आठ बगीचे हो जाते हैं, तो आठ ही अपने पास देहोरियां हो जाती हैं। और यहाँ पर इस तरह से अपने पास ये 125 मंदिर की चौड़ाई है, हालांकि नक्शे में यहाँ ज्यादा दिखाई दे रही है, इस तरह से अपने पास 125 मंदिर की ढाई सौ मंदिर की चौड़ाई, और लंबाई तरफ अपने पास 500 मंदिर की, तो यहाँ पर 125 वृक्षों की 250 हारे आई। यहाँ पे देखिए ये जगह अपने पास है 250 मंदिर की, और इस तरह से लंबाई में जगह है अपने पास 500 मंदिर की, क्योंकि ये 500 मंदिर का हिस्सा दो हिस्सों में बट गया ना, तो ये देखिए ये 250 मंदिर की चौड़ाई और 500 मंदिर की लंबाई, संपूर्ण शोभा वैसे ही, बस मध्य में एक रोस आती है जो रोस सीधा हमें पाट घाट की ओर ले जाती है। और यहाँ पे चांदनी चौक की शोभा को भी हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने हालांकि देखी हुई है ये शोभा, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, ठीक मध्य दो मंदिर की नगों की रोस, इस रोस पर मोती, माने, खीरा मतलब बिछे हुए बताते हैं, इस रोस में नग जड़े हैं, यहाँ पर रेती नहीं है। तो इस रोस से अपना चांदनी चौक दो हिस्सों में बट गया, दाई तरफ देखेंगे 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा, और बाई तरफ 33 मंदिर के लंबे चौड़े वृक्ष पर हरे वृक्ष की शोभा। अब एक मंदिर का तना उठा ऊपर 33 मंदिर की लंबी चौड़ी छत, अब चारों दिशाओं में 34-34 स्तंभ, 33-33 मेहराबे, ऊपर गुंबद, कलश, ध्वजा, पताका, और घेर कर ये देखिए दो मंदिर की रोस आती हुई चांदनी चौक के भी, और इन रोस के भी दोनों किनारों पर वृक्ष सुंदर बैठन की स्थान, और घेर कर ये नहरें,
यहाँ पर छह बच्चे की शोभा, इस जगह छह बच्चे की शोभा, यहाँ छह बच्चे की शोभा। आप जब चांदनी चौक में एंटर करते हो तो ये उछलते फवारे आपका अभिनंदन करते हुए चांदनी चौक में खड़े हैं, तो ये छह बच्चों की सुंदर शोभा और ये वृक्ष दो भोम तीसी चांदनी के अपने को नजर आते हुए, इनके दो कठेड़े अपने को नजर आते हुए, और चांदनी चौक में रंग बिरंगी हीरा मोती मानिक की तरह रेती बिछी हुई। तो ये शोभा हुई थोड़ी सी, यहाँ तक की शोभा में सुंदर सा जी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी अटकाव हो। दीदी जो अपने पेड़ों में जैसे मंदिर की शोभा है, तो वृक्षों के बीच वाली अंदर ही मतलब मंदिर टाइप बना होगा ना, वृक्ष के नहीं, तने नहीं, में वृक्ष के ऊपर ऊपर। अपना जो, अच्छा हाँ, दो दो मंदिर का अंतर है ना, तो वृक्षों हाँ। के एक एक वृक्ष में नहीं, अपने उस जगह पे जो एक वृक्ष की जगह अच्छा। है, अपने वन की नहरों में ऐसे ही हिसाब चलता है ना, एक वृक्ष में तले तो नहरे चबच्चे सब नजर आता है, लेकिन ऊपर एक एक वृक्ष पे एक एक मंदिर। तो हम भी यहाँ मान ले एक एक वृक्ष के ऊपर एक एक मंदिर। अच्छा। और ये मंदिर है पशु पक्षियों के रहने के स्थान, रहने का था। और इसका प्रमाण अपने को यहाँ से मिल रहा है कि जो ये जो वृक्ष आया, इसकी दूसरी भूमि महल माफक हो गई ना। हाँ जी सुंदर साहब जी, सुंदर साहब ने रिजाइन किया हुआ है। दीदी मैं खोलती हूँ, डीपी सिंह जी आप खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मैं जानना चाहता था जो रेती है और रॉस है चांदनी चौक में, वो तो एक ही लेवल पे है ना। हाँ, एक लेवल। ये देखिए, ये अपनी मध्य रॉस, ये मध्य रॉस, ये रेती, और घेर कर ये रॉस हो गई, और वनों के बीच में जो दो मंदिर की रॉस आएगी, अपने सात वन है उनके मध्य छह रॉस आएगी, उसका वर्णन रह गया। एक बार वो नक्शा निकाल लिया। ये जो अपने वन आए हैं, केल, निबोई, अनार, अमृत, जामु, नारंगी और बट, इनके मध्य ये जो दो मंदिर की रोसे आ रही हैं, और ये अपनी पुखराजी रोस, चांदनी चौक, ये सभी एक लेवल में है, और रंग महल को घेर कर जो दो मंदिर की रोस आ रही है वो भी इसी लेवल की है। ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी। नहरों का चबूतरा, नहरों के जो चबूतरे दोनों तरफ, उनके लिए तो लेवल वो भी, हाँ वो भी यही लेवल है। हाँ। जिसे अपन यहाँ पे कहते हैं ना दो मंदिर की रोस, तो दो मंदिर की रोस की तरफ तो दो वृक्ष हो गए, लेकिन ये साथ में ये जो 50 हाथ की रोस है ना, ये भी एक रूप मिलान करती हुई, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कलर अलग हो जाएगा, लेकिन रोस का लेवल एक ही है। वही तो मैंने कहा, इनका भी लेवल एक ही। हाँ, इनका भी लेवल एक ही है। प्रणाम जी। दीदी जो आपने ये रंग महल की पिठोर के साथ लगती हुई दो मंदिर की रोस है ना, वो थोड़ा एरो से दिखा दीजिए कि भाई ये रही। मतलब बिल्कुल ये रही दीदी। नहीं, वो वाला जो नक्शा आपने दिखाया था ना रंग महल का, जिसमें चित्रामन थे, वो वाला नक्शे से मतलब थोड़ा एरो से दिखा दीजिए। दिखा रहे, उसमें रोंस नजर नहीं आएगी जो महाराज जी की, वहां तो बनी नहीं हुई ना रोंस, ये महाराज जी की इसमें ज्यादा अच्छे से नजर आ रही है। हाँ, उसमें ना थोड़ा सा मतलब एरो से पता लग जाएगा कि किस किस जगह पे आई है रोंस वो। हाँ, मैं निकाल रही हूँ नक्शा ना, ये देखो अपने ये जो भोंबर ऊंचा चबूतरा है ना, ये जो भोंबर, ये रंगमहल का भोंबर ऊंचा चबूतरा। हाँ जी, आप, हाँ जी, ये देखो, ये रंगमहल का भोंबर ऊंचा चबूतरा, मैं यहाँ पे रोंस बनाने की कोशिश करती हूँ, बन जाती है। तो यहाँ पर अपनी ये देखो, ये रोंस आएगी बिल्कुल ऐसे पिठोर के साथ लगती हुई, ये सॉरी यहाँ पे इधर नहीं आएगी, इस जगह नहीं आएगी, दस मंदिर के हाथ में इधर आएगी ये रोंस। दस मंदिर के हाथ के आगे रोंस का वर्णन नहीं है, दस मंदिर के हाथ के सामने रोंस का वर्णन नहीं है, दस मंदिर के हाथ। हाँ, यहाँ तो चांदनी चौक आ गया ना, इसको दूसरे नक्शे से लेते हैं, इस नक्शे से लेते हैं।
हाँ जी, ये वाले नक्शे से है ना। ये देखो, ये तो है अपना दस मंदिर का हांस। दस मंदिर के हांस को हम छोड़ देंगे। ये जो घेर कर हांस आएगा ना, इसके आगे ऐसे ये दो मंदिर की रोंस आई है। ये ऐसे रोंस के एक तो बिल्कुल चबूतरे, चबच्चे तो बहुत दूर रह गया दीदी। ये चबच्चा तो बहुत दूर रह गया, ये तो बहुत दूर रह गया। अपने पास 50 हांस है, सिर्फ एक हांस में तो नहीं है रोंस, बाकी तो 25-25 हांसों में रोंस है, 24-24 हांसों में लगभग। ये देखो, ये दो मंदिर की रोंस है। यही यही कंफ्यूजन था मेरे को कि भाई यहाँ पर चाहे बच्चा जी आए हैं और क्या नाम, फिर ये रोंस मतलब आगे तक कैसे जाएगी दीदी। ये चाहे बच्चा तो दीदी, ये अपनी पूरब दिशा है, अपने पूरे 1500 मंदिर की। सिर्फ चांदनी चौक की जगह 166 वहां पे रोंस नहीं आई, उसके अलावा आप देखो कितनी जगह बचती है वहां पे रोंस आएगी। यहाँ पे नक्शे में चाहे बच्चे नजदीक नजर आ रहे हैं अपने को, इतने नजदीक थोड़ी है। नहीं नहीं दीदी, अब समझ में आ गया है ना। मेरे को कंफ्यूजन था, फिर मैंने कहा कि अगर अंदर ही रह जाए फिर उसका फायदा क्या सीखने का। हाँ नहीं नहीं, ये देखो ये रहा है ना, ये चार बच्चे तो अपने कोने पे हैं, तो ये अपनी जो जगह है ना, इस जगह आगे, इस जगह। और बाकी इसको अपने बहुत अच्छे से समझना है ना, तो यही से अपने को क्लियर होगा। ये देखो प्रियंका ने भी नया नक्शा जो बनाया उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बाद में कल दिखा देना ना। हाँ वो अभी निकला होगा, मैं दिखाती हूँ। वो भी उसमें बिल्कुल सही उसकी स्थिति रंग महल की सामने वाली सही आ जाएगी। ये देखो इधर, ये देखो ये नक्शा थोड़ा इधर नहीं हो रहा अभी। जैसे ये अपन सिर्फ 500 मंदिर का हिसाब ले ले अमृत वन का है ना, तो इसमें सिर्फ 166 मंदिर में चांदनी चौक है। ये दाएं बाएं देखो रोंस जा रही है ना। हाँ जी हाँ जी, है ना इस तरह से, ठीक है। नहीं अब समझ आ गया, पहले में ये मतलब रोंस का कंफ्यूजन हो रहा था कि कहाँ तक कैसे जाएगी, तो अब आपने समझा दिया, अब समझ में आ गया। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी अनिल जी, आज आ रही दीदी? हाँ जी आ रही है। ये जो रोंस जा रही है हमारी अमृत वन की, वो कमर भर ऊंची है और चांदनी चौक नीचे आएगा? नहीं नहीं, चांदनी चौक ये रोंस दोनों एक लेवल में है, एक लेवल में है। हाँ आप इसको ना यूं समझे अपन इसको, जैसे हम यमुना जी की पाल पर है, पाल से 3 सीढ़ी उतर के हम पुखराजी रोंस पर आते हैं, पुखराजी रोंस के साथ मिलान करती ये रोंस आई है, और इन रोंस से सीधा हम चांदनी चौक में पहुंच जाते हैं। चांदनी चौक भी इसी लेवल में है, ये दाई बाई जो अपनी नहरों की रोंस है वो भी इसी लेवल में है, सीधा एक लेवल चांदनी चौक का, इन रोसों का, नहरों की रोसों का लेवल एक आया, और पुखराजी रोस वन रोस भी इसी लेवल में। ये अपने को सीधा सीढ़ियों तक पहुंचा रही है देखो, और ये रेती भी इसी लेवल में है, ऊपर नीचे नहीं है, इसी लेवल में। नाम जी हाँ जी, बबीता जी जोनसी, ये रेड वाली है यही पुखराजी रोस है ना, दो मंदिर की आई है जोनसी बीचो बीच। ये पुखराजी रोस तो यहाँ कहाँ पे हुई, पुखराजी रोस तो इधर आती है ना। अभी अपन इतना समझ ले कि ये जो चांदनी चौक की जो मध्य रोस है जो अमृत वन को दो हिस्सों में बांट के जा रही है, इस रोस का और चांदनी चौक का लेवल एक है, और नेहरू के चबूतरे का लेवल भी यही है ना। नहीं तो पुखराजी रोस फिर किसको किसको कहेंगे, ये थोड़ा सा बताओ मेरे को, अभी क्लियर नहीं हुआ दीदी। पुखराजी रोस का वर्णन अभी आगे करेंगे, पुखराजी रोस इधर आती है जमुना जी को घेर कर, ये देखो ये वाली। अच्छा। इन वनों की लंबाई पुखराजी रोस तक है। अच्छा। तो ये जो पुखराजी रोस आई है, ये जो मध्य रोसे आई है सारी, और नहर के चबूतरों की रोसे आई है, चांदनी चौक आया है, ये एक लेवल में है। अच्छा। परम धाम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा है ना। हाँ प्रणाम,
प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी, ये सात वन जो है बड़ो वन के वृक्ष कितने लंबाई में आ रहे? बड़ो वन के वृक्ष तो यहाँ पर आएंगे अभी। बड़ो वन के वृक्ष जब केल वन में से निकलते हैं तो पांच पॉइंट छठी चांदनी के हो जाते हैं। जब बट में से निकले, बट में से भी निकलेंगे तो पांच पॉइंट छठी चांदनी, और यमुना जी की पाल पर भी पांच पॉइंट छठी चांदनी। अच्छा, और ये दो भूम के कौन कौन से आएंगे? दो भूम के, वैसे तो केल भी दो भूम का है, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, सभी दो भूम के। दो भूम के और बड़ो वन के वृक्ष पांच भूम के। हाँ, केल में से जब बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं तो केल रूप होके, तो केल वन अपने को दिखाई देता है पांच भूम का, लेकिन मूलतः केल दो भूम का ही है। लेकिन उसमें से बड़ो वन के वृक्ष बिल्कुल केले का रूप होके निकलते हैं ना, तो वो पांच भूम नजर आते हैं। ठीक है, ठीक है, यही पुखराजी रोज पर आए हुए बड़ो वन के वृक्ष तो दो दो भूम के आएंगे ना? हाँ, वो दो भूम के पुखराजी रोज वाले तो दो भूम के जो आएंगे वो दो भूम के। हाँ, पुखराजी रोज पे दो भूम के आए हैं, लेकिन पाल पर जो आए हैं वो पांच भूम के आए। दीदी जैसे पाल और पुखराजी रोज, पाल वन रोज और पुखराजी रोज, इन तीनों का लेवल बराबर है? नहीं, पाल का लेवल बराबर नहीं है। अभी अपन वहां तक नहीं जाए, फिर जमुना जी में करेंगे तभी। अभी सिर्फ अपन इतना समझ ले रहे कि अभी जो शोभा अपन कर रहे हैं ना वहीं तक रहे, तो उस शोभा के अकॉर्डिंग अपना ये चांदनी चौक को घेर कर ये रोंस, ये मध्य रोंस से और नहर का चबूतरा, ये एक लेवल में आया है ना। जो शोभा अपन कर रहे हैं वहीं तक रहते हैं तो तभी ठीक रहेगा। ठीक है दीदी। जयमनी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये अपन बोलते हैं ये पूर्व दिशा में खड़ी हूँ, दो मंदिर की रोस देखी, दाएं बाएं दो मंदिर की रोस, हाँ, दाएं बाएं दो अनार, केल, लिंबो, अनार, ये वृक्षों देखा, फिर चांदनी चौक देखा, लाल हरा दो वृक्ष देखा, वही शोभा खाली बोलते रहने का, वही शोभा का ही वर्णन कर रहे हैं हम। हाँ, तो हाँ, इतना याद है अभी है ना, यही शोभा का वर्णन कर रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर खड़े हो, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी की शोभा अपने को नजर आ रही है ना। फिर यहाँ पे रंग महल को घेर कर दो मंदिर की रोस और चांदनी चौक की शोभा नजर आ रही है। बस ये आंकड़ा खाली याद नहीं रहता है, शोभा तो याद रहती है। हाँ जी सुंदर साहब जी, मैं एक बार पूरी शोभा वापिस से रिवाइज करती हूँ, फिर उसके बाद मिलान की शोभा करते हैं। यहां से हम देखिए यमुना जी के सिंह तरफ से, यहां से खड़े होके श्री रंग महल की तरफ देखिए तो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामु, नारंगी और बट की शोभा आई है। रंग महल के सन्मुख अपने तीन वन आए सुंदर सा जी, अनार, अमृत और जामु। सुंदर सा जी, ये वन कितने चौड़े और कितने लंबे हैं? एक वन कितना चौड़ा और कितना लंबा है? नीलम जी, दीदी 500 का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा। हाँ जी, और लंबाई तरफ इसमें कितनी, लंबाई तरफ कितनी नहरें आई? दो। लंबाई तरफ दो नहरें आई और चौड़ाई तरफ पांच। पांच, हाँ जी, ठीक है, मैं नक्शा भी निकालती हूँ। हाँ जी सुंदर साथी, इस तरह से लंबाई तरफ चार दो नहरें और चौड़ाई तरफ पांच नहरें, और ये बगीचे इन दाएं बाएं रोसों सहित 500 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं, दाएं बाएं रोसों सहित 500 मंदिर के चौड़े। और ये जो अपने चार बगीचे आए हैं, इन बगीचों की पश्चिम तरफ दो मंदिर की रोस आई है, इन रोस पर भी वृक्षों की दो हारे आई है। तो हम एक बगीचे में खड़े हैं, हम अभी एक बगीचे में खड़े हैं, तो उस एक बगीचे में वृक्ष कितने कितने मंदिर की दूरी पर आए हैं?
हम एक बगीचे में हैं, सबसे पहले वृक्ष की कितने मंदिर की दूरी पर आए हैं वृक्ष? मुकेश कुमार जी, हाँ जी प्रणाम। दो मंदिर की दूरी पर आए हैं, दो मंदिर की दूरी पर आए हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साहब जी, इन एक बगीचे में दो दो मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, तो इस तरह से अपने पास दो चार वृक्षों के मध्य दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक बनते हो, तो इन एक एक चौक में हम खुद को खड़ा महसूस करें, इन एक एक चौक में हम बनता एक चौक। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए चार वृक्षों के मध्य बनता एक चौक, ये चौक है दो मंदिर का लंबा चौड़ा, तले सुंदर रेती, हीरा मोती मानिक की तरह अति उज्जवल रेती, चारों कोनों में जवेरों से छिल मिलाते वृक्ष जो 75 हाथ सीधा ऊपर जा रहे हैं, ऊपर 25 हाथ में मेहराबे बना रहे हैं और एक पल चंद्रमा कर रहे हैं। ठीक मध्य चौक में हमने शोभा देखी सुंदर साहब जी, ठीक मध्य चौक में क्या सुंदर शोभा हमने देखी थी? कृष्णा देवी, उसके बीच में एक मंदिर की लंबी और चौड़ी एक ड्योरी आती है और जिस पर ध्वजा पताका सब लगा होता है। हाँ जी, एक मंदिर की लंबी चौड़ी ड्योरी, तले सुंदर गिलम, वनों में है तो गिलम हम फूलों पत्तियों की लेवे की तले फूलों पत्तियों ने ऐसे बिछे सुंदर एक सुंदर गिलम बनाई, उसके ऊपर सुंदर फूलों के सिंहासन कुर्सियां, ऊपर गुम्मड कलर ध्वजा पताका घुंघरियों की शोभा और कई चौकों में सुंदर बैठन के स्थान। अब हम इन चौक के एक बगीचे के चारों दिशाओं में देखते हैं, तो चारों दिशाओं में अपने को फूलों की शोभा, चारों कोनों में जय बच्चे, जल की सुंदर शोभा, भूम भर गहरा जल, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, इस तरह से 500 मंदिर के लंबे और 2000 मंदिर के चौड़े, और ये जो अपने बगीचे आए हैं बिल्कुल पुखराजी रोंस से लगते, ये जो नहर का चबूतरा आया है इस नहर के चबूतरे के इस तरफ पुखराजी रोंस के वृक्ष आए हैं, तो तभी महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर नहर के चबूतरे के पास यहाँ पर लगती जो हार आई है वो 10 सारे आई है। जैसे ये देखिए ये पहली हार, मैं एक बार निशान लगा देती हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये अपनी पहली हार, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, एक सेकंड यहां से चल ले रहा अभी, ये आठवीं और ये देखिए नवीं और दसवीं, ऐसे 10 हारों का सुंदर वर्णन आता है। और उधर की तरफ अपने क्यों नहीं आती हार वृक्षों की, क्योंकि वहां पर चबूतरे के इस किनार पर पुखराजी रोंस के वृक्ष आए हैं, तभी कहा गया ना कि 2000 मंदिर की लंबाई वन रोंस तक आई है, पुखराजी रोंस और वन रोंस को एक साथ वन रोंस करके वर्णित किया जाता है, तो ये जो नहर का चबूतरा 2000 मंदिर से कम 1998 मंदिर का वन रोंस तक आया है, तो इस किनार पर अपने पास पुखराजी रोंस के वृक्ष है, तो वो सुंदर शोभा कि जैसे ही हमने अमृत वन को पार किया तो ठीक सामने यहाँ पर पहले पुखराजी रोंस आएगी, अपनी पुखराजी रोंस के आगे वन रोंस पार करेंगे, उसके आगे यमुना जी की शोभा। तो और यहाँ पर वृक्षों की दो हारे, इन तीनों वनों के पश्चिम की तरफ वृक्षों की दो हारे दो मंदिर की रोंस, और अमृत वन के ठीक मध्य अमृत वन की संपूर्ण शोभा ऐसी आई है, लेकिन यहाँ चांदनी चौक की शोभा हुई और ठीक मध्य दो मंदिर की रोंस है जो अमृत वन को कितने हिस्सों में बांट रही है। सुंदर साहब जी, अब अमृत वन की कितने बगीचे हो गए अपने पास और कितने मंदिर के लंबे चौड़े?
सिंह साहब दीदी, इसमें 8 बगीचे हो गए जो कि 250x500 के होंगे। 250x500 के होंगे, तो उसी हिसाब से वृक्षों की गिनती भी कम हो जाएगी। 250 की तरफ 125 और 500 की तरफ 250 मंदिर, है ना, है ना। तो ये तो अपने हो। हाँ जी दीदी, मुझे इसमें एक चीज पूछनी थी, अमृत वन में जैसे हम आड़ी और खड़ी नहरें बताते हैं, तो इसमें चांदनी चौक वाली नहरें गिनेंगे या नहीं? दीदी मैंने ऐसे गिना नहीं है, सच कहूं मैंने एक शोभा से लिया है कि मेरी शोभा में जैसे मैं अमृत वन की शोभा देखती हूँ, मैं नक्शा निकालती हूँ अमृत वन का, तो उसमें कितनी शुमार में कितनी आती है, तो वो महाराज जी के नक्शे से मैंने नहीं पढ़ा। मेरी शोभा में ये चलता है कि चांदनी चौक है ना, चांदनी चौक को घेर कर भी नहरों की शोभा, इधर मध्य रौस इसके दोनों तरफ भी नहरों की शोभा, तो जैसे हम चांदनी चौक में खड़े हैं तो तीनों तरफ दो मंदिर की सुंदर रौस चल रही है, इस रौस के दोनों किनारों पर वृक्ष हैं और सुंदर वृक्षों की छांव की तले यहाँ पर सिंहासन कुर्सियां, यहाँ रेती पर सुंदर बैठ के, इस चबूतरे पर बैठ के, नहर के चबूतरे पर बैठ के, और यहाँ जब हम खड़े हैं तो दो चबच्चे ये उछलते हुए, दो चबच्चे ये, और जब एंटर करते हैं तो वो सुंदर समा, तो इस तरह से नहरों की शोभा। अब गिनती मैंने सच में नहीं देखी कितनी हुई, तो होता है ठीक है दीदी, है ना। हाँ। जैसे मैंने कहा कोई क्वेश्चन आता है तो नहीं, मैंने देखी नहीं, वो फिर वृत्ति में देख लेंगे, है ना। ठीक है नहीं, मेरा तो क्वेश्चन नहीं था, मैंने पहले शायद आपने पहले का रेज़ किया है। ठीक है ठीक है, चलो मैंने आपको कोर्स बना दिया, आप सेवा करना। सैमसंग के नाम से वीना दी होंगी, वीना दीदी सैमसंग के नाम से आपने रेसेंट किया हुआ? मैंने तो आंसर देने के लिए किया था। तो सुंदर सा जी, एक बार मैं सभी नीचे कर रही हूँ हैंड, तो जिनकी क्वेश्चन हो ना वो वापस से करें हैंड। ये कृष्णा दीदी का है दीदी, एक बार मैं सब नीचे कर रही हूँ। हाँ जी सुंदर सा जी, अब जिनके क्वेश्चन है एक बार रेज हैंड वापस कर लें। दीदी कृष्णा जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी जैसे ये दूसरी मंजिल के पेड़ आए हैं ना ऊपर, दूसरी मंजिल आई जो, तो उसके जैसे जो सामने के मंदिर है जैसे उनकी मेहराबे दरवाजे आ रहे, मतलब सेम वैसे ही आएंगे जैसे जालीदार की उस तरह से मेहराबे आएंगी क्या? अब वो ऐसा अपने पास विस्तार नहीं है, बस महाराज जी ने ऐसा लिखा कि जैसे नग धातु के महल सामने बने हैं मंदिर, ठीक वैसे यहाँ फूलों पत्तियों के मंदिर बने हैं, तो यहाँ भी मेहराबे आएंगी, सही मेहराबे आएंगी, उनमें भी मेहराबे आएंगी ना, मेहराब दो दो मंदिर की आएगी ना मेहराब। तो वैसे तो दीदी अपने को शोभा लेनी है कि हम ऊपर की वनों में जाते हैं तो यहाँ सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, आमने सामने हम कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, वो नगों के है यहाँ पे, और ये पशु पक्षियों का रहने का स्थान है, वो रूहों के रहने का स्थान है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी विस्तार लिए मंदिर आएंगे, अक्षी मेहराबे आएंगी, यहाँ भी द्वार आएंगे, सुंदर शोभा यहाँ भी आएगी। भाई एक कहने का भाव है कि जैसे सामने मंदिर बने हुए हैं वैसे यहाँ पे फूलों पत्तियों के मंदिर बने हुए हैं, अब उसमें कितने थंब आए कितनी मेहराबे आए उसका वर्णन नहीं है, तो वो तो रूप की चितवन है कि अपन कैसे लेते हैं। अब मान लीजिए ये वाला जो मंदिर है, ये मंदिर अपना, ये जो मंदिर है अपन मान के चले, मान लो ये वाला जो मंदिर है इस वृक्ष के ऊपर जो बना, ये मोरों का मंदिर है, तो उस हिसाब से उसकी पूरी डेकोरेशन वहां की जो जोग बाई है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये पशु पक्षियों के मंदिर है, कहीं खरगोश निवास कर रहे हैं, कहीं पर मोर निवास कर रहे हैं, कहीं पर हिरण है, तो उस हिसाब से जोग बाई अपने दिल में ले रहे हैं। पर मम्मी खोलो आप। हाँ मैं ये बता रही थी। हाँ जी एक चौक में कितनी नहरें आई है आंटी? एक चौक में चारों दिशाओं में नहरें आ गई, चारों कोनों में, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में देखो आंटी, ये देखो चारों दिशाओं में और चारों कोनों में चबच्चे आ गए, चारों दिशाओं में अपने पास पुल भी आ जाएंगे, उतरती सीढ़ियां भी आ जाएंगी,
और नहरें, नहरें आंटी चार ही आएंगी ना, एक चौक के चारों दिशाओं में चार नहरें अच्छा। आएंगी ना। तो ये बीच में क्या बच्चा, ये क्या है बीच में चिड़िया, ये हाँ ये पुल की शोभा। अच्छा ये पुल की शोभा। हाँ मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ आंटी आपको, बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखो ये चारों दिशाओं में नहरें, ये चारों दिशाओं के ठीक मध्य पुल आ गए, नहर है तो नहर के बीच में पुल भी होंगे, ये उतरती सीढ़ियां हो गई, ये कोने से भी उतरती सीढ़ियां हो गई। ये देखो सीढ़ियां कितनी आई है, सीढ़ियां मतलब चारों दिशाओं में चारों कोनों में, और छोटी सीढ़ियां तो कई आएंगी आएंगी। अच्छा जो वर्णन में आई है ना वो चार दिशा में आई है, ये देखो चार दिशा में, ये जो नीले रंग से निशान लगा रही हूँ, और चार कोने में, ये तो वर्णन में आई है, बाकी छोटी सीढ़ियां भी अपने को कई मिल जाए। ठीक है बाकी फूलों के सारे पेड़ है। हाँ पूरे फूलों पत्तियों का मतलब देती ऊपर पूरा फूलों का चंद्रमा आ गए सब। हाँ जी पद्मा जी आप भी खोल लो। प्रणाम दीदी। सीढ़ियां तो इसमें काफी बनी हुई है ना। हाँ इसमें काफी बनी हुई है ना? और है भी काफी बड़ा चौक है पांचों मंदिर का, तो सीढ़ियां तो होंगी काफी इसमें। भाई महाराज जी क्या वर्णन कर देते हैं मेजर सीढ़ियों का कि चार दिशा में चार कोनों में, यहाँ पर तो नक्शे में ये बीच में भी दिखा रखी है, यहाँ बीच में भी लिखी हुई है। हाँ यहाँ बीच में भी दिखा रखी है सारे सब। बट का कितना लंबा चौड़ा है, बट का भी 500 मंदिर का लंबा, 2000 मंदिर का लंबा है, उसकी शोभा भी अभी बता देती हूँ। हाँ जी पद्मा जी। प्रणाम जी। ये जो आपने 10 हारे बताई ना, वो अभी आपने वो करके बताया था ना एनोर। हाँ वो मैं दोबारा बता देती हूँ, ये देखो रुक जाओ अभी। ये जो वृक्ष की हार है ना, ये वाले वृक्ष की हार, ये जो वृक्ष की हार है, ये वृक्ष की हार तो है पुखराजी रोज की। हाँ जी ठीक है, ये वृक्ष की हार पुखराजी रोज की है, तो ये काउंटिंग में नहीं आएगी। तो एक हार ये वाली, इस नहर के किनारे ये नहर के दोनों तरफ वाले। रोज दीदी आवाज कहाँ से आ रही है, किरण दीदी की यहाँ से आ रही है क्या, पता नहीं कहाँ से आ रही, मुझे भी आ रही है आवाज। आपके यहाँ से आ रही है, कहीं से आ रही है, देखो किरण दीदी, पता नहीं मेरे को तो नहीं पता। आपको भी आ रही है? हाँ मुझे खुद को आ रही है, बहुत फट 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 इतनी आवाज आ रही है। हाँ एक बार देखते हैं, ये देखो ये 10 आ रहे हैं। कॉर्नर वाले को काउंट करना है ना दीदी, ये यहाँ से मतलब जो बिल्कुल साथ लगती नहर के दोनों तरफ वाली। हाँ जी हाँ हाँ ये वाली भी नहीं है ना, एक बार सबको म्यूट करते हैं, आवाज देखते हैं कहाँ से आ रही है। सिर्फ पता है खुला सिर्फ हम दोनों का है, आपके पंखे की आवाज तो नहीं है ना, देख लेना। हाँ लेकिन मुझे भी आ रही है आवाज, मुझे नहीं आती अगर इधर से होती तो। अच्छा अपन दोनों का ही खुला हुआ है अभी, अब नहीं आ रही आवाज, अब नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। पद्मा का खुला हुआ था, पद्मा से भी आ सकती है। अब ठीक है, अब ठीक, अब ठीक है ना। हाँ जी पद्मा जी, तो ये जो किनार वाली जो हार है ना, ये वाली हार का वर्णन हुआ था, क्योंकि ये जो हार है ना, ये वाली ये जो हार है, ये है पुखराजी रोज की। हाँ दीदी ठीक है ठीक है। हाँ वो जो लाल हरे वृक्ष में जो शोभा ये महल की, वैसी इन वृक्षों में भी है ना, ऐसे ही ना, मतलब एक माहौल माफक ले वे, थोड़ी बढ़ती शोभा ले वे, अब ठाम और मेहराब नहीं ले वे, वहां पे मंदिर ले वे। मंदिर बहुत खुल के विस्तार नहीं आया, बस इतना महाराज जी ने बताया कि जैसे सामने मंदिर है ऐसे ही फूलों पत्तियों के मंदिर है। हाँ जी, मतलब पूरा ऐसे डिटेल में विस्तार नहीं आया कि कितना क्या है ना। हाँ मतलब एक वृक्ष के ऊपर दूसरे जो वृक्ष जो बना है वो वहां पे महल जैसा बना है ऐसा ना। हाँ, महल जैसा बना हुआ है। प्रणाम प्रणाम जी। तो सुंदर सा जी ये अपना हुआ जाबू की शोभा। हाँ किरण जी एक चीज बताइए, इसमें फूलों के पेड़ आप बता रहे हैं ना सारे,
वृक्षों के फूलों के कहने का मतलब है केल, लिबोई, अनार, अमृत जो भी है, मतलब फूल पत्तियां हुई ना सब में, फूल तो आएंगे, मतलब मैं फ्लावर नहीं कह रही, मैं तो फूल पत्तियां वैसी शोभा बना रही हूँ। जामू है तो उसका तो पहले भी फूल खिले गए ना, अमृत है, अनार, आम है, उसका भी पहले तो फूल आएगा ना। हाँ, जो नहर के बाहर आपने वृक्ष बताए, इनकी नहरों के ऊपर मेहराबे बनेंगे, फिर मेहराबे तो बनेंगी सी, जहाँ भी वृक्ष आएंगे उनकी मेहराबे तो बनेंगी बनेंगी, मतलब नहरों के ऊपर मतलब पूरी बन जाएंगे। हाँ, नहर पहली भूमि में ढक जाएंगी ना। हाँ, नहर पहली भूमि, और फिर और जो बीच में रॉस दो मंदिर की आई है उसके ऊपर भी मेहराब बनेगी। हाँ, पूरी छत हो जाएगी, पूरी शोभा पे एक छत हो जाएगी। अच्छा, पूरी शोभा पे एक छत हो जाएगी। और इसमें भी 16 सीढ़ियां दिखा रहे हैं, और बर्ड पीपल की चौकी में भी 16 सीढ़ियां दिखा रहे हैं। सीढ़ियां और भी हो सकती हैं, अपने को विस्तार लेना है कि वो इतनी लंबी चौड़ी जगह है, आपको एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाना है और नीचे उतरना है, आपको 100% सीढ़ियां मिलेगी। अच्छा, तो बड़ी सीढ़ियों का विस्तार आ जाता है। अच्छा, है ना, देखा मैंने, देखा वहां भी वही 16 सीढ़ियां, इधर भी 16, तीन तीन छह, तीन तीन नाइन, नौ चौक 12, और चार कोने की 16 सीढ़ियां हो गई। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साहब जी, तो यहाँ पे हमने शोभा देखी, लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी, इनकी तो दो भूम तीसरी चांदनी, केल भी दो भूम तीसरी चांदनी का है, पर इसमें से बड़ो वन के वृक्ष निकले हैं। बट वन में आते हैं, ये भी 500 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का लंबा, इसमें लेकिन कुंज निकुंज बन गया, यहाँ पे बट के वृक्ष नहीं आए, यहाँ पर कुंज निकुंज शुरू हो गया है। लेकिन बड़ो वन के वृक्ष जब यहाँ से निकलते हैं तो बट रूप होके निकलते हैं, तो वो भी 5 गुम 6 चांदनी। इधर से केल में से निकलते हैं तो केल 5 गुम 6 चांदनी, इधर बड़ो इससे बटवन में से निकलते हैं तो ये भी 5 गुम 6 चांदनी। तो बस एक पल के लिए हम यहाँ पर आके लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी, इनकी चांदनी पर आके बैठे, दो भूम तीसरी चांदनी। ये देखिए, अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 यानी 2500 मंदिर की लंबी और ऐसे 2000 मंदिर की लंबी ये चांदनी। पांचवन है 500 मंदिर की, तो 2500 मंदिर की लंबी, 2000 मंदिर की चौड़ी। इस चांदनी पर हम बैठे और इधर देखेंगे केलवन अपने को 3 भूम और ऊपर नजर आता हुआ, इधर बटवन 3 भूम ऊपर नजर आता हुआ, सामने अपने को रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी, भूम दर भूम 10 मंदिर की हांस की शोभा, वो हीरे की बड़ी मेहराब, दाएं बाएं की मेहराबे, ऊपर कंगूरे, कलश, कुंतियां सब अपने को नजर आती हुई। लिबोई के पश्चिम में क्या शोभा है, नारंगी के पश्चिम में क्या शोभा है, ये विस्तार से कल करते हैं। तो आज यही तक सुंदर साहब जी, क्योंकि टाइम भी अपना हो गया है, तो ये शोभा और मिलान भी अपना कल ही हो पाएगा, तो ये शोभा कल करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय, प्रणाम जी।